Thanks, very good to see me. I don't hear that very often. Okay. I like good films, yeah. One of my hot. I like good films, and इतने सारे nominations मिले हैं, तो why not? Get a chance to see, must see. Hell yeah, hell yes. Oh, Thakur. मुझे यार मुझे फिल्में पसंद हैं और इसीलिए मैं इसी profession में हूँ. And I think Bollywood फिल्मों में क्या है कि एक honesty का जो level है वो बहुत ज़्यादा है और वो देखने में मज़ा आता है. क्यों मेरी दुखती रख पे हाथ रख रहा है यार? नहीं, ऐसा नहीं है यार. इट्स लाइक आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने कई बार कह चुका हूँ मैं बहुत ही सुस्त आदमी हूँ. बिग बॉस के वक्त आई डेंट वॉन्ट टू डू एनी फर्दर दैन दैट. जॉली का इत्तेफाक है एंड एज आई सेड अर्लियर आई एम वेरी हैप्पी अक्षय डूइंग इट. अक्षय की मेरी बातें होती रहती है एंड आई थिंक इज डन अ डैम गुड जॉब. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली होप द फिल्म डज वेल. दैट्स इट. नहीं, मैंने अभी देखूंगा, मैं खुद इरादा प्रमोट करने में लगा हूँ. There is never relief in Bollywood. I'm sorry, but this is a sad situation that I think there's a good chunk of money that goes into the government pocket from the Bollywood industry, and unfortunately we are targeted, we are thrashed, and we are threatened, and all that happened, and nobody wants to share. It's a sad day. The last one that I did, what journalist award? Very good. I should have. You're on your knees. I want you to win the award, my friend. It's a good thing. I think, you know, every job, when you are appreciated, it's a wonderful thing. Expandable awards for journalists, please go for it. Yeah. मैंने अभी कहा यार, मैं बोला बहुत गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है. आई थिंक कहीं पे हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो ईमानदारी से काम करती है, टैक्स भरती है, थोड़ा तो ख्याल रखे. कहीं गैंगस्टर्स आते हैं, कहीं कोई सेना आ जाती है, ना कोई आ ही जाता है, और जिसके मूड में जो आता है करता है. तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट आई होप समबडी डज समथिंग. I don't want to comment yet because it's come out today, and I was just reading up on the budget before I came.
But number one, I'm not a money guy. Like, I don't understand it so much. And especially this budget, I've not read about enough at all. So it wouldn't be fair for me to comment tonight. There is only one thing. Again, I don't know all the details. But as a young filmmaker and as someone who has a lot of respect for Sanjay Bhansali, it was very horrible to watch. It was very demeaning, embarrassing. One felt very bad watching. So, obviously, like, I think it's a horrible thing that happened. And it shouldn't be happening. And I feel like, I think, again, I'm not senior enough to say it, but I think the producer is guilty and a lot of people in the film fraternity have come out and spoken up against it. Actually, he started shooting Raju and Anis. So we are hoping that he will be done with that film by the time we start. Okay, thank you. Thank you. I think it's shocking. I think it's horrific कि ऐसी चीज हमारे मुल्क में हो सकती है. I mean,
सबको राइट है एक अगर उनको चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें, लेकिन हर चीज़ एक डेमोक्रेटिक स्टाइल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि गुंडागर्दी आ रहे हैं, कोई आ गया आपने थप्पड़ मार दिया। आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग व्हाट हैपेंड इन जयपुर एंड आई एम शॉक्ड दैट दोज पीपल स्टिल हैव नॉट बीन कॉट एंड थ्रोन टू जेल। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है संजय लीला भंसाली की स्क्रिप्ट से, फर्स्टली आपको स्क्रिप्ट कैसे मालूम है ये मुझे नहीं मालूम, बिकॉज संजय किसी को नहीं पढ़वाते स्क्रिप्ट, सो दे ऑलरेडी सीम टू नो व्हाट इज इन द फिल्म। अगर फिल्म में कुछ खराब लगी तो अभी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी जब पास होगी तब आप अपना जो प्रोटेस्ट आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन पीसफुली करिए। हर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह गुंडागर्दी इज नॉट डन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो टुडे वॉज माई फर्स्ट ऑफ डे, सो आई स्लेप्ट टिल लंच टाइम, आई मिस द लाइव टेलीकास्ट, सो आई हैव जस्ट सॉर्ट ऑफ गॉट अ फ्यू इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, सो आई एम नॉट रियली इन द पोजीशन टू बी एबल टू इंटेलेक्चुअली सॉर्ट ऑफ स्पीक अबाउट व्हाट द बजट इज। आई जस्ट गॉट अ फ्यू थिंग्स अबाउट द टैक्स रेट्स एंड गॉट अ फ्यू थिंग्स अबाउट सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स दैट दे इंक्रीजिंग, सो आई डोंट रियली हैव द डिटेल्स टू बी एबल टू टॉक प्रॉपरली अबाउट द बजट। As always, I don't think we ever get anything. That's a little surprising and it's a little disappointing. Every year we expect that there will be some sort of serious look at Bollywood. I think they just don't take us seriously as an industry. So I don't think the little issues that we have, I don't think they're important enough to be really considered in the unit budget. Unfortunately. Thank you. हो गया मैं आज की शाम बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइन ऑस्कर्स के नॉमिनेटेड है और हमारे इंडियन एक्टर्स हैं उसमें, वेरी 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 प्राउड एंड आई एम ऑल्सो वेरी लकी कि मैं खुद एक हॉलीवुड फिल्म में काम कर रहा हूँ, तो it's been one of the most awaited movies 2017 and ki kafi charcha hui hai us waqt bhi jab main shoot kar raha tha in London mein, kyunki we share a relationship with Judy Dench who he has also worked with in Marigold, I'm very happy for him, I'm very happy for everybody and God, this is first time. Yeah, and it's a true story. I think ये साल काफी true stories का है। Thank you. Thanks, yeah, that's fast. Okay, I'm going to.